बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। देखिए, ये कंसोलिडेशन मैंने पहले भी डेली पे आपको जरा बता दूं, ठीक है ना। डेली पे मैं ये कंसोलिडेशन आपको बता रहा था चल रही है, और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये डबल टॉप बना था, ये 76,000 के करीब, ठीक है, 76,022 है एक्चुअली। इसके बाद विक बनी है, देखें यहाँ पे ये कुल कैंडल से देखेंगे, इसके बाद बिग बनी है 76,200 इस तरह करके, लेकिन एक्चुअली जो था वो ये 76,000 का ही लेवल था। तो यहाँ डबल टॉप किया, डबल टॉप के बाद मैंने कहा भी था कि डेली पे वीकली पे भी एक्चुअली नजर आ रहा था यहाँ पे हल्का सा डाइवर्जेंस, लेकिन देखें यहाँ डबल टॉप हुआ और डेली पे भी यहाँ पे डाइवर्जेंस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको ये एक्सपेंड करके देखिए बता दूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपको नजर ही आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये लाइन जो है नीचे अपर साइड में जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, वो नीचे की तरफ नजर आ रही है, ठीक है, ये वाले। तो ये इस पे डाइवर्जेंस आ रहा था, तो मैंने बोला भी था कि हायर साइड पे अवॉइड करें बाय करना, ठीक है। तो ये देखिए आपको समझ, चले मैं यहाँ पे आपको फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ ब्लैक ब्लैक से, ठीक है ना। ये देखें ये वाला यहाँ पे ये इस तरह आ रहा था, और डाइवर्जेंस ये लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है ना। अब वापस हम उस पे आ जाते हैं वीकली की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें काफी मतलब नीचे की तरफ ये वाला एरिया जो था 73,600 का, ये सीपीआर का अपर बैंड है, और मार्केट तकरीबन यही क्लोज हुई है, लेकिन इसने लो जो किया था वो 71,000 के करीब, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका लो था 71,781 का। अगेन चलें डेली चार्ट से मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि वो क्यों टेस्ट हुआ, और अच्छा हुआ वो एक ही दिन में रेस्ट हो गया, वो 2,000 पॉइंट जितने भी माइनस होने थे वो मतलब समझे आवली चार्ट पे हुए हैं, डेली चार्ट पे भी नहीं हुए। इसके बाद रिकअप हमने शार्प रिकअप भी देखी, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया था के नीचे अगर जितनी मार्केट आएगी वहां से इतनी शार्प रिकवरी आएगी। अब यहाँ पे देखें ये गैप फिल हो रहा था, ये गैप देखें मार्केट जो है, ये तकरीबन 6 मई को जो गैप ओपनिंग हुई थी मार्केट की, और यहाँ से इंडेक्स जो है फिर मजीद अपसाइड तरफ जाता रहा। ये तकरीबन इसका सफर शुरू हुआ यहाँ से, ओपनिंग जो था इसका 72,485 से लेके, क्योंकि इससे प्रीवियस डे में जो क्लोज हुई थी ना वो इसकी क्लोजिंग थी 71,902, और ओपन हुई है फिर ये 72,485। इसके बाद जो है थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट अपसाइड पे इसने मूवमेंट दिखाई है। तो ये कि गैप फिल एरिया था जो भी फिल होना था, तो वही हमने देखा कि यहाँ पे डबल टॉप लगा 76,000 के अराउंड, डाइवर्जेंस आया, फिर ये मार्केट ने यहाँ पे ये इसको विक के साथ किया है, ठीक है ना। ये विक जो बनती है नीचे, जिसको हम हैमर डोजी और ड्रैगन डोजी भी कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो उसमें ये होता है उसको इस वजह से कहते हैं कि एक इसमें लंबी विक बनती है, ठीक है ना। हैमर डोजी भी उसी तरह ही होता है, हैमर डोजी में यहाँ पे भी विक बन सकती है, यहाँ पे भी। तो ये इसको हम हैमर डोजी भी कहेंगे और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहेंगे, लेकिन ड्रैगन फ्लाई इसके कहते हैं इसकी दुम बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, और ये बुलिश रिवर्सल होता है। तो इसने जो एग्जैक्टली जो इसका था गैप फिल्ड एरिया, उसने वहां फिल किया इसको, अपने आप को यहाँ पे लो किया इसका। एक्चुअली तो ये एरिया यहाँ पे बन रहा था, अगर हम देखें ना यहाँ पे इसके हाई जो था वो था 71,986 या 72,000 समझ लें, यहाँ पे था, और इससे थोड़ा सा इसने नीचे और थोड़ी विक बनाई, यूं समझ लीजिए इसकी जो ये बेरिश कैंडल है ना, इसका इसने, मैं यहाँ पे एक लाइन भी बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, नेक लाइन जो है सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, ठीक है, 71,007 ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी, इसने यहाँ नेक लाइन सपोर्ट ली मार्केट ने, और अपसाइड हमने मूवमेंट देखी। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अच्छे खासे हुए एज कम्पेयर टू, अगर प्रीवियस डे देखें तो 112 तकरीबन 113 मिलियन समझ लें का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, लेकिन दूसरे दिन जो है 208 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि हमको आवली चार्ट पे नजर आएगा। ये देखें यहाँ पे फिर हमने यहाँ सेलिंग देखी, और फिर यहाँ से ये बाइंग शुरू हो गई, यहाँ से आप देखें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती, रिजेक्शन आती रही है, लेकिन नीचे डाउन साइड पे स्पेशली इस लेवल पे, ये लेवल जो है ये इसका नेकलेस सपोर्ट है 73,219 के अराउंड, 73,200 समझ लें, यहां से फिर ये
ये अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है डेली पे भी और आवरली पे भी। तो ये यहाँ पे अगर हम नीचे फॉर सपोज यहाँ पे मार्केट आती है तो हम यहाँ इस एरिया में हम बाइक कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस अगेन वही होगा 71,000 जो इसका लो है, या एटलीस्ट ये वाला 72,100 का एरिया है, इसको सस्टेन करना चाहिए जो हमारा ये मिडिल बैंड है सीपीआर का 72,147। यहाँ पे भी वीक बन सकती है ऑब्वियसली, तो यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट फिर अगेन अगर दिखाता है तो फिर आप एंट्री लें, और स्टॉप लॉस यही होगा एरिया जो ये मिडिल बैंड है, और एटलीस्ट ये 71,780 का ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो इसके ऊपर मार्केट फिर आगे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम वॉल्यूम देख लें, यहाँ पे देखें बहुत अच्छे जनरेट हुए, अपर साइड पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमने वो देखी प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ जैसी बात है जिन्होंने लोअर साइड पे, क्योंकि देखें मुख्तलिफ होते हैं, स्कैल्प ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, तो वो जैसी बात है पोजीशन अपनी क्लियर करते हैं, देखते हैं कि भाई फॉर सपोज मैंने डीजी की बताया था कि भाई 84 रुपए तक जो है इसने दोबारा वो किया है, बॉटम किया है, तो उसने एक वीक भी बनाया 82 रुपए तक, और फिर जो है 88 आई थिंक 89 तक ही गया है। तो जो डे ट्रेडर भी हैं, जो स्कैल्प ट्रेडर हैं, वो 1-2 रुपए में निकल गए, जिन्होंने डे ट्रेड पूरा रखा है उन्होंने, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, 5-5 रुपए का आई थिंक एटलीस्ट हुआ होगा, 5-6 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग और फिर वहां से अगेन बाय एंड आई, मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखा रही है इस वक्त। अभी डेली आवरली भी देखें तो मार्केट अभी अपसाइड पे ही लग रही है, यहाँ पे 74,500 का जो लेवल है, 500-600, ये मैंने पहले भी कह दिया था कि एरिया जो है वीकली पे और डेली पे आवरली पे दोनों में ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री एरिया है। मैं आपको वीकली से आपको समझा दूं, अगर वीकली पे अगर हम आए, थोड़ा सा ये असल में नेट का मसला आ रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। चले मैं आपको थोड़ा डेली में अगर आ जाते हैं तो डेली में आपको समझा दूं, वीकली फिर आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब हम इसी एरिया को लेंगे फॉर सपोज, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, यहां से अगर ये मार्केट जो है अपने आपको ब्रेकआउट देती है इसका, तो हम इसका जो विक है, ठीक है, यहाँ जो विक बनी थी इसकी, हम ये लेंगे इसको, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है इसको हम अपर साइड से लेंगे। तो देखें अगर ये इसका ये 76,000 का जो 76,025 है, इसके ऊपर मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम नेक्स्ट इंडेक्स का जो है 78,600 ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है कि रेजिस्टेंस एरिया बीच में आ सकता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ठीक है, 1.618 इसका गोल्डन रेशियो है डेली टाइम फ्रेम पे, फिर ये यहां पर भी हम देख सकते हैं इसको 82,880 समझ लें, 890 ये या 900, ये फिर इसमें जाहिर सी बात है फ्लक्चुएशन आती है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट की अप डाउन उसमें होता है। अच्छा, इसके बीच में भी जाहिर सी बात है काफी जो है वास्ट एरिया जो है अभी बीच में है, तो इतनी जल्दी जाहिर सी बात है डेली पे तो नहीं होगा, तो शायद आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे एक 77,000 का लेवल जो है वो भी एक बीच में आ सकता है। ठीक है, इस तरह ये बीच में ही है, तो जो डेली आवली पे है वो वहां पे हम हल्की फुल्की वहां पे जो है रेजिस्टेंस और रिजेक्शन भी देख सकते हैं, फिर इस तरह वो जिस तरह रिट्रेस करती है मार्केट ऊपर जाती है, तो ये मार्केट ऊपर मजीद अपसाइड पे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब हम वीकली पे आ जाते हैं। अच्छा, वीकली पे भी मैं वही एक जो है मैंने आपको बताया था जिसको तो हम एक लाइटर नोट पे कहते हैं कि रेलवे लाइन है, तो वो एक्चुअली मैंने आपको बताया था MA5 मूविंग एवरेज 5, ये हायर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है, डेली पे भी काम करता है डेली अवेलेबल पे, लेकिन अच्छी आपको जो उसकी परफॉर्मेंस नजर आएगी MA5 की वो हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे। ठीक है, अब मैं आपको देखो यहाँ देखो इसी के रिस्पेक्टिवली चल रही थी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे किस तरह वही मैंने आपको बताया हैमर डोजी बना, फिर अगेन उधर आई, फिर यहाँ पे वापस उधर हैमर डोजी के पास ही उसी एरिया में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया रीटेस्ट हो सकता है डेली पे, मैंने आपको बताया ना 71,780 ये वापस रीट, क्योंकि यहाँ डोजी बना था तो हो सकता है कि ये वो अपसाइड जाके फिर ये वापस इसी लेवल को रीटेस्ट करे, 71,072,000, 71,780, 90 ये एरियाज हैं तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि डबल टॉप लगा है विद डाइवर्जेंस डेली पे, तो वो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसका ब्रेकआउट होगा। तो इसकी हम मिसाल यहीं से लेंगे। ठीक है ना, कि ये यहाँ से फिर ये इसने अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट दिखाई, फिर यहाँ पे, अच्छा मैं आपको बता था रेलवे लाइन का, ठीक है ना, ये MA5 का इसके नीचे क्लोजिंग आई, ये मैं वीकली शेयर कर रहा हूँ, अब इस वीक में यहाँ क्लोजिंग आई, तो
तो जाहिर सी बात है फिर नेक्स्ट कैंडल जो है अगर इसके नीचे बनती तो फिर ये मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती, वहां से नीचे का सफर शुरू हो जाता। लेकिन देखें फॉर्चुनेटली यहाँ से इसको ना ना सिर्फ इसको निगेट किया है बल्कि एनगल्प भी किया है, ठीक है ना, पूरी कैंडल कवर की, बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को, फिर यहाँ से अपसाइड इसी तरह की कोई कैंडल या इसी के बराबर कोई इसको निगेट करती हुई कैंडल बनती है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर सपोज के वापस ये आती है और एक अच्छी बॉडी बनाता है, जैसे हमने यहाँ विक बनी ना, एक लॉन्ग विक बनी है, ये विक अगर बॉडी में बुलिश कैंडल की बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बुलिश कैंडल यहाँ तक बनती है पूरे वीक में, फॉर सपोज देखें वीक में अगर वापस यहाँ मार्केट आती है 72,000 के राउंड, फिर इसकी यहाँ बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज होती है इसी तरह की येलो, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो अभी भी मतलब कोई एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है कि बुलिश रिवर्सल है तो एकदम मार्केट बहुत ही ऊपर एकदम से शूट करेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बजट का बहुत बड़ा प्रेशर है, मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कि अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ संडे वाले दिन, तो 8 जून सॉरी 10 जून को जो है बजट है, 9 जून को ये वीडियो रिलीज होगी, तो मंडे वाले दिन जो है बजट है सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी है, और बजट जो है इसके बाद है, आई थिंक 12th या 14th ऐसी कोई डेट आ रही है इसकी बजट की। तो अब जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट अच्छा ही आएगा जब ये जिस तरह दूसरे एनालिस्ट है ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि बिटवीन 100 to 200 basis points जो कमी देख सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का जो रेट है जो कम हुआ है उस हिसाब से तो सही है, लेकिन IMF की जो है वो कंडीशन है कि इसको ज्यादा उसको डिक्रीज ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ शायद 50 to 100 basis points डिक्रीज हो, लेकिन डिक्रीज होगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि अगर डिक्रीज होता है यहाँ पे, अगर ज्यादा डिक्रीज होता है 200 basis points या 300 तो मार्केट इसका अच्छा इम्पैक्ट लेगी, तो मार्केट अगेन वहीं जाके रिजिस्ट करेगी अगर कोई अच्छी न्यूज आती है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, डिस्काउंट रेट के हवाले से, तो यहाँ पे जो है मार्केट अगेन रिजिस्ट करेगी, या जहन में रखेगा वो जो है ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, कम से कम डेली बेस पे जो है ना इसके ऊपर क्लोजिंग होने दें, ये जो लेवल है 76,000 का, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप जो है नेक्स्ट डे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर भी सेफ होगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से ओपनिंग होगी, वहां से आप एंट्री लेंगे फिर मार्केट मजीद अपसेट जाती है, तो फिर आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए स्टॉक को ऊपर जाने दें जितना भी आता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए चलें, ठीक है। ये तो हो गया डेली बेस पे, वीकली बेस पे भी मैंने आपको समझा दिया है अपसाइड कहाँ पे जा सकता है इंडेक्स। अब थोड़ा डाउन साइड की बात कर लेंगे, डाउन साइड में अगेन ये जो इसका लोअर बैंड है 70,300 का, अभी तक ये रिटेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता रिटेस्ट होता है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर ये मजीद, क्योंकि देखे ना ये MA5 जो है सबसे बड़ी बात तो देखे ना, MA5 के नीचे अगर ये परफॉर्म कर शुरू कर देगा, ऑब्वियसली अगर इसके नीचे तो कोई बुलिश बेरिश कैंडल बनेगी तो ये MA5 के नीचे आ जाएगा और इसको भी रिटेस्ट करेगा और ये इसको ब्रिज भी कर सकता है, ठीक है। अब इसको अगर ये ब्रिज करेगा तो फिर ये मार्केट जो है मजीद और अपना डाउन साइड दिखाएगी टिल ये जो इसका जो ये वाला लेवल था जहां से हमने देखा था 67,000 के अराउंड, ये भी इसको रिटेस्ट कर सकती है मार्केट जो है, ये वाला लेवल इसको भी रिसेट रिटेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में, बल्कि हम अगर इसको ये कर लें इसकी नेकलाइन सपोर्ट, ये इस कैंडल की नेकलाइन सपोर्ट जो है वो फिर यहाँ पे बनती भी नजर आएगी 67,000 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि प्राइस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये इसको रिटेस्ट करेगा इंडेक्स को ये लेवल, और इसकी जो है नेकलाइन सपोर्ट के हिसाब से भी इसकी सिंक्रोनाइजेशन आ रही है। तो अभी तो हम फिलहाल CPR का लेवल ही लेंगे, ठीक है, CPR का जो मिडिल बैंड है वो 72,147 का है, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, 73,219 है, 71,780 जो ये इसके नीचे का, मतलब इसके बिटवीन 71,780 80 90 72,000 या प्लस माइनस आप देखते रहेंगे कि कहाँ से एकदम बाइंग आ रही है, और जो है 73,219 20 ये सब जो है ये बाइंग एरियाज हैं, तो यहाँ बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, ठीक है, स्पेशली अगर इसके नीचे अगर आता है इंडेक्स तो फिर ये अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है और इसकी कोई निगेशन नहीं मिलती तो ये मजीद नीचे आ सकता है, तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, क्योंकि आगे बजट है, बजट के हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें नहीं है, टैक्स के हवाले से स्पेशली कि भाई टैक्स जो है काफी लग रहा है इम्पोज करने की, इसमें सिफारिशात की गई है कि भाई जो टैक्स बेस है नेट, एक्चुअली IMF ने नेट
टैक्स नेट बढ़ाने को बोला, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है टैक्स बेस बढ़ाने के चक्कर में और मजीद टैक्स लगाने की इसमें खबरें हैं कि और मजीद टैक्स मजीद बढ़ेंगे, तो इसका जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखें ना अगर ये टैक्स बढ़ेंगे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर वही मॉनेटरी पॉलिसी आपको जो जिसने एक वक्त में खुश किया बाद में फिर वही आपको मायूस करके फिर हो सकता है वापस वो 22% पे चला जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को कोरिलेशन जो है वो डिस्काउंट रेट से है। तो बहरहाल मार्केट को मैंने आपको बता दिया है आपको वीकली पे कि इसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।